तो गाइज मैंने यहाँ पर केक में कुछ लिखने नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया है। तो सुनाया हैप्पी एनिवर्सरी, इट्स माय प्री एनिवर्सरी, प्री एनिवर्सरी। हाँ वैसे भी हमारा डेट आ रहा है 13 नवंबर, सुनाया 13 नवंबर को हम मिले थे। हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, लड़की ना यार। एनीवेज हम ये भी कट करेंगे और खाएंगे। बाय बाय एवरीवन, दिस इज आवर डे 2। और कल रात को काफ़ी माहौल रोमांटिक हो गया था एज यू नो, और फिलहाल हम काफ़ी लेट उठे हैं और नाश्ता करने आए हैं, और मशहूर मेरे लिए नाश्ता लेने गए हैं। लेट्स सी वो क्या लेके आते हैं मेरे लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम मैगी खाते हैं साथ में सुबह सुबह, और आज मेरे लिए वो नाश्ता लेने गए, तो लेट्स सी ये क्या लेके आते हैं। चाय कॉफी जूस, चाय कॉफी के साथ अभी अलग अलग सब चीज़ें। By the way, what's up guys? Very good morning. Vlog directly नीचे से ही हमने start किया, टीम से उठा direct और हम नीचे आ गए। तो मैं अपना कैमरा भी लेके आना भूल गया, मैं अपने फ़ोन से vlog कर रहा हूँ अभी। तब शन आएगी फोन यही होता है। सो ब्रेकफास्ट हो गया सुबह का, और काफ़ी हैवी हो गया, बहुत हैवी हो गया। मेरा कुछ नहीं हुआ। नहीं यार, मैंने डोनट खाया, फिर मैंने वेफल्स, सुबह सुबह इतना डार्क चॉकलेट खाया हूँ मैंने। 1020 दो दो कीज़ है यार। आराम से नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता हूँ। रूम पूरी तरह से मेस्ड अप, सब यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, पिज्ज़ा खाना सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अभी आपको क्लीन दिखेगा रूम एक चुटकी में। 1 2 3 हाँ, तो पूरा क्लीन, सब कुछ सेट हो गया है। सो गाइज मैं भी रेडी हो गया हूँ और शावर पूरा ले लिया। सुनाया अभी अंदर बाथरूम यूज़ कर रही है मेरा। हाँ, तो हम इसके पहले जो व्लॉग शूट किए थे उसके अंदर मैंने रूम टूर नहीं दिया था, मतलब क्या है क्या नहीं है। कमेंट्स आ रहे थे कि रूम टूर बताओ, तो मैं भी बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या है। और मुझे ना एक्सप्लोर करने में ये सारी चीज़ें में ना बड़ा मज़ा आता है कि भाई होटल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या ये लोग देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था हाउस कीपिंग और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं एक करके बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा लैम्प दिया हुआ है, अगर कुछ अगर काम करना है आपको तो यू कैन यूज़ दिस पेन। और ये मेरे को काफ़ी अच्छा यूज़फुल लगा, मैंने जो भी कॉल्स पे मैं बात कर रहा था फ़ोन पे, मेरे सारे नंबर नोट डाउन वो सब करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। वैसा यहाँ पर बहुत सारे चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो ये चार्जर के लिए यूज़ हो रहा है। और ये तो ये लोग का डेकोरेशन था, थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर द लवली डेकोरेशन गाइस। JW मैरिट, पानी की बॉटल्स हो गई, ये सारा मेरा लगेज है। सबसे मेन चीज़ मुझे इस रूम का ये लगा कि जो कर्टन्स है ये हमें हाथ से नहीं खोलना है, यहाँ पर बटन है तो मैं बटन से बता रहा हूँ। ये बटन है, ये बटन से वहाँ पे 3 2 1 ये खुल गया, एंड देन दिस वन टन टन, तो ये पूरा खुल गया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं सोचा है पर एक आध स्लोमो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही बना लेते हैं, स्लोमो बाद में शूट कर लेंगे, पहले ये भी काम वो भी काम एक साथ नहीं कर सकते, तो हम वो स्लोमो बाद में शूट करेंगे। बाकी हमें चलो मैं कर्टन्स को बंद कर देता हूँ, तो ये दोनों में बंद कर सकता है ऐसा।
तो यहाँ पर एक लैम्प दिया हुआ है, एक बड़ा सा लैम्प है फोटो शूट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी जगह मेरे को लगी, मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किया हूँ यहाँ पर। और फिर ये तो बेड है नॉर्मल सा। ओके, तो यहाँ पर भी डायरी दी गई है, यहाँ पर अगर आप फ़ोन पे बात करो जो भी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर सकते हो। ये भाई इसने बहुत परेशान करके रखा था मुझे, मैं मॉर्निंग में उठने की मुझे आदत नहीं है। ये भाई सुबह 8 बजे बजना चालू हो गया, मुझे पता भी नहीं था ये बंद कैसे होता है। मैंने फिर तो बहुत सारे बटन दबाए तो ये बंद हो गया, क्योंकि एंटिक सा पीस मैंने पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। दो ग्लासेस दिए हुए, यहाँ पर भी लैम्प है हाथ के पास, दोनों साइड से बटन फॉर मोर पावरफुल लाइट, तो ये दोनों बंद कर देंगे। बलून्स फॉर द डेकोरेशन, और ये ऐसा कुछ रूम है प्यारा सा, छोटा सा, अमेजिंग सा। यहाँ पर लाइट है बाथरूम की। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ की लाइट्स मैं ऑन कर दूँ, वो शिट तो पूरा बंद हो गया। ओके, तो ये हमारा लगेज रखने के लिए स्पेस है जहाँ पर। ओ क्या बात है, यहाँ पर तिजोरी भी है, देखते तिजोरी, तिजोरी में किसी ने अपना माल छोड़ के गया है क्या? अगर कुछ मिल गया मालूम पड़ा, पैसे अंदर बहुत सारे, खजाना सोना वैसे को रख के जाएगा नहीं। चेक करते अंदर क्या है। गाइस अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ छोड़ के नहीं है, स्मार्ट गाइस। ओके, तो ये क्या है? ये है सम किड एंड सम कैरी बैग्स। व्हाट इज दिस? सफारी सूट, लॉन्ड्री, अपना चार्ज है, और बाकी सारी नीचे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर ये शनाया ने देख ली ना, कितनी सारी चीज़ें मंगा सकते हैं, ट्रैक सूट और बाकी सारी चीज़ें, तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। सिर्फ शनाया से पहले सोच खराब हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए, बाय। इसे कहते हैं पैसे बचाने के नए तरीके। यहाँ पर दिया हुआ है शूज़ के लिए वाइटनर, जो शूज़ वाइट करना होता है, और फिर मिंट है, इससे आप शूज़ को साफ़ कर सकते हो अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरा लगेज है। यहाँ पर आपको अगर कपड़े इस्त्री करना है तो वो कर सकते हैं। हाँ, मुझे कपड़े इस्त्री करना, तो मैंने इस्त्री निकाल दिया हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर बाथरूम में खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे इस्त्री करनी है। पानी की बोतल यहाँ पर भी है, पानी की बोतल हर जगह है। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, हर जगह पानी की बोतल हमें हाइड्रेट रखने के लिए 24 आवर्स, तो ये मुझे सर्विस बहुत अच्छा लगा। बस दैट्स इट, इतना सा ही रूम टूर है। और हाँ, बाथरूम का बताया, बाथरूम भी है। शनाया बाहर आएगी फिर हम अंदर जाएंगे बाथरूम के लिए, कि बाथरूम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। मेन तो बाथरूम में आई तो सब कुछ चीज़ें रखी भी रहती है, तो चलते बाथरूम पर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाथरूम का टूर करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। दिस इज़ फॉर द क्लीनिंग किट, ये तो मतलब शनाया का है। ये सारी चीज़ें है यहाँ पर आपको मिलता है, ये सब देखने मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर शेविंग किट है, शेविंग तो मतलब मुझे अभी फ़िलहाल इतनी यूज़ नहीं है, मैं फ़िलहाल शेव तो करूँगा नहीं। तो यहाँ पर ये माउथ वॉश, आप इसे माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। मैंने टिकट जो मैंने बताया था यहाँ पर रखा हुआ था, तो मैंने इसे अंदर रख दिया। बहुत सारे टॉवल्स है। यहाँ पर एक मिरर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक लाइट है, जिसमें मैं यहाँ पर अगर प्रेस करूँगा तो ये चालू हो जाती है। ये कितना क्लियर दिख रहा है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं अगर ज़्यादा दूर जा रहा हूँ तो ये और करीब आ रहा है। तो फेस के एक एक दाने आप देख सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर कमोड है, और यहाँ पर
थोड़े बहुत किड है, ये हो गया डोर ओपन, दिस इज द शावर, यहाँ पर आप शावर ले सकते हो। मैंने जैसे कि बोला था यहाँ पर आपको शावर जेल बहुत सारे मिलेंगे, बाहर भी था एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर कंडीशनर है, शैम्पू है, यहाँ पर भी शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इतनी सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई इतना पैसा पे कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो यूज़फुल होना चाहिए। तो ये छोटा सा टूर, और मुझे भी जल्दी जल्दी रेडी होना होगा, हम लोग का चेकआउट का टाइम होने वाला है, एक घंटा बाकी है, और आगे करनी है बहुत सारी, तो जल्दी जल्दी मैं चेंज करता हूँ, बैग वो सब कुछ रेडी है, मिलते हैं। ओके सो गाइज, मैं हो गया अभी रेडी, और चेकआउट का टाइम पास आते जा रहा है, उतना जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेकआउट का टाइम हमने थोड़ा लेट लिया था, क्योंकि हमें शूट करना था व्लॉग, इसलिए स्पेशल। तो थैंक्स टू JW मैरिट, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल और सर्विस दी, सर्विस और मुझे यहाँ की फैसिलिटीज काफी अच्छी लगी। फैसिलिटीज अभी देखा आप लोगों ने, बहुत like, और अगर, मुझे हम लोग का एक कॉल कर रहे हैं तो टॉवल आके चेंज कर रहे हैं, हम एक कॉल कर रहे हैं तो हमें बाइन लाख दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, तो हम लोग दिल से बोल रहे हैं, कोई किसी ने बोला नहीं है। मुंबई आ रहे हो और आपका बजट काफी अच्छा है, आपको होटल्स यू नो स्टे करना है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर आके स्टे करो। ये हमें किसी ने बोलने को कहा नहीं है, ना ही हमें पैसे मिल रहे हैं, हम लोग अपने दिल से बोल रहे हैं। हम लोग दोनों का मेन जो फेवरेट पार्ट है वो है यहाँ पर बालकनी, बालकनी कि बालकनी इतनी बड़ी है, यहाँ पर लैंप है और फिर मस्त ताज़ी हवा है, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत, और बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाय शनाया, हाय, पानी पी रहे हो? जी, पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। देखो शनाया कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इसका जो राज है वो कुछ और है, कुछ लेकिन और जो मेन राज है वो ये है कि ज्यादा पानी पिया करो गाइस, प्लीज। यस, ज्यादा पानी पिया करो, और स्किन भी हेल्दी रखता है, और भी है कुछ जो स्किन हेल्दी रखने के लिए। फर्स्ट थिंग, पानी की बॉटल यहाँ पर बहुत सारी है, क्योंकि हमें पानी बहुत ज्यादा लगता है पीने के लिए, और यू नो हम ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, स्किन ऑयली हो जाता है, टैन हो जाता है, डल हो जाता है, उस वजह से मैं कुछ हफ्तों से वाउ प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। यस, तो ये है वो प्रोडक्ट जो हम दोनों यूज कर रहे हैं इन दिनों में। तो इससे शनाया बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, स्किन ग्लो हो रहा है, हाँ, माशाल्लाह से। मैंने सिर्फ ब्लश लगाया है विदाउट एनी फाउंडेशन, विदाउट एनी यू नो बेस, नथिंग, सिर्फ आईब्रोज रखे और लिपस्टिक। ओके, तो हम अभी बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या यूज करना चाहिए और ये कैसे यूज होता है वो मजरूर बताएंगे, क्योंकि शनाया तुमने जल्दी इसे यूज कर लिया। मैंने यूज कर लिया, क्योंकि मैंने इसे बोला था, लाइक मैं नहा रही थी एंड मसरू वॉज लाइक दूसरा पार्ट शूट कर रहे थे वीडियोज का, तो आई हैव यूज्ड एवरी प्रोडक्ट, अब मसरू करके दिखाएंगे। और हाँ, मैंने तुम्हें बोला था साथ में यूज करेंगे, दिस इज यूनिसेक्स, लाइक लड़का लड़की दोनों यूज कर सकते हैं, और मसरू करके बताएंगे कैसे यूज करना है। यस, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मसरू मुंह धोते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हमें फेस वॉश करना होगा यहाँ पर। ओके, पहले पानी से मसरू, जब भी आप कोई भी फेस वॉश यूज करो गाइस, तो पहले आपको हल्के वार्म वाटर में, हाँ, वार्म वाटर में, या फिर जो भी है नॉर्मल सा वाटर जैसा आपको सूट करता है आपके फेस को लेकर, तो आप पहले अपना चेहरा अच्छे से धो ले। तो अभी हम यूज करेंगे वाओ का पहले फेस वॉश, मैंने बाहर निकाल दिया। मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप लोग जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हो, पहले आप उसे अच्छे से चेक करो कि इज दैट ओरिजिनल और नॉट, क्योंकि बहुत सारे फेक आने लग गए हैं मार्केट में, और किसकी स्किन को सूट करता है नहीं करता है, लेकिन एक वाओ कैसा ये फेस वॉश है जो हर स्किन को सूट करता है, और आप लोग देख रहे हो मुझे भी काफ़ी ये सूट किया है। इसके अंदर नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो कलर, एकदम 100% ओरिजिनल और 100% प्योर है। जैसे मैंने वाओ के फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग और इतनी फ्रेश लगने लगी है। एट द सेम टाइम वाओ का एक खुद का अपना एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट बाय कर सकते हो इजीली प्ले स्टोर से।
ये एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। एप्लीकेशन है बायवाओ, जहाँ पर आप इजी टू नेविगेट कर सकते हो अपना ऑर्डर जो आप प्लेस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हूँ मैंने, आप फटाफट जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और प्रोडक्ट बाय करो गाइस। ओ जब तक आप लोग बाय करो वाओ के प्रोडक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके, और मसरूर तुम ये हाँ यूज कैसे करते प्लीज बताओ। तो आओ चलो देखते हैं। ऑलरेडी जब मैं यूज कर रही थी इसमें ऑलरेडी विल्डिंग ब्रश दिया है जो बहुत इजी होता है हमारे डीप क्लीनिंग के लिए। हाँ, और ब्लैक केट्स यू नो, जैसे कि मुझे व्हाइट केट्स बहुत है, मेरे नाक में भरी हुई है, तो आपको ये दो मिनट तक इसे अच्छे से पूरा रब करना होगा फेस पे। इतना इजी टू यूज है, आप अपने गंदे हाथों को फेस पे लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हमें मिला है टोनर जो पोर्स को पोर्स को फिर से क्लोज करेगा और स्किन ब्राइट करेगा। मेरा पर्सनली फेवरेट मेरा और शनाया का, क्योंकि ये स्किन को ग्लो रखता है और लॉन्ग टाइम के लिए मतलब एक फ्रेशनेस रहती है फेस पे। जो प्रोडक्ट है वो वाओ स्किन इंडिया का है, इससे पता चलता है अगर आप स्कैन करते हो ये QR कोड को, तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो वाओ स्किन इंडिया का। तो यहाँ पर टोनर लगा लिए हैं मसरूर ने, और यू नो हम काफी यू नो डरते थे कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स ना यूज करें अपने चेहरे पे, क्योंकि हम चेहरे को बहुत ज्यादा ही कंसर्न है। और वाओ ऐसा प्रोडक्ट है कि वो कभी हार्श केमिकल यूज नहीं करते अपने कोई भी प्रोडक्ट्स पे, और स्किन काफी यू नो गुची गुची रखते, क्योंकि काफी ग्लोइंग लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि बार-बार मिरर पे देखूं। लोगों ने इसके पहले जो वीडियो देखा था जिसमें मेरे फेस पे काफी सारा ऑयल दिखता था, पूरा फेस डल लगता था, लेकिन अब जब मैंने जब ये इवन आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट आफ्टर लाइक ये सारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद, ये फेस सीरम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन और ये ऑयल, तो धूप में जाने में अब डर नहीं लगता हमें। और इसी के साथ हमें मिला है वाओ स्किन साइंस की तरफ से सिट्रस बटर। तो फेस के साथ आप बॉडी का भी केयर करोगे ना? यस, हम फेस के साथ साथ बॉडी का भी केयर करेंगे। ये आपको हेल्प करता है, विंटर का सीजन चल रहा है तो वेरी बेस्ट प्रोडक्ट। यस, तो बाय या सिट्रस बटर। तो हम अभी इसे यूज करेंगे क्योंकि हमारा भी चेकआउट का टाइम है अभी। शनाया ने ऑलरेडी सब कुछ यूज कर लिया है। स्लीवलेस पहना हूं, टी-शर्ट पहना हूं। ये प्रोडक्ट मुझे काफी पसंद है क्योंकि इसका स्मेल काफी प्यारा है और ये यू नो ज्यादा स्टिकी नहीं है। ये स्टिकी फील नहीं होता, वॉश करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसे इतना लाइट वेट प्रोडक्ट है। आई रियली लाइक कंसिडर कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करें तो प्लीज वाओ का यूज करो। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो भी सारी चीजें बताई आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आपको एक स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। जितने भी प्रोडक्ट्स आप बाई कर रहे हो आपको यहाँ पर एक कूपन कोड हमारी तरफ से मिल रहा है, शनाया मसरूर 20। तो वो कूपन कोड यूज करके आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिलता है। यस गाइस, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी जल्दी जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्रोडक्ट को बाय करो, कूपन कोड यूज करो, बहुत ही यूजफुल है गाइस। देख सकते हो मेरा जो फेस था पहले इतना डाउन लग रहा था, फिर अभी मैं उठते साथ इसे पूरा यूज किया, और अभी हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है चेकआउट का, मिलते हैं बाहर। तो हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DMs आते थे कि आप एक वीडियो बनाओ यूट्यूब पे जहाँ पर आप बता रहे हो कि आप यूट्यूब पे कितना अर्न करते हो मंथली। मैं इतना अर्न करता हूँ कि मैं आपके लिए ढेर सारे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूँ और ऐसी सारी चीज़ आपको दिखा सकूँ, मैं इतना अर्न करता हूँ। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप लोग डेली व्लॉग स्टार्ट करो। लोग हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत टाइम निकाल रहे हैं पूरे इन दिन के शेड्यूल में। हमारा कोई भी सोशल मीडिया कोई मैनेजर हैंडल नहीं करता है, हम खुद हैंडल करते हैं सारे मेल्स, हम खुद हैंडल करते हैं, तो हमें
टाइम ही नहीं मिल पाया। बट विल डू आवर बेस्ट, विल डू आवर बेस्ट, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं शनाया से आज भी मतलब यहाँ पर गैलरी में बालकनी में बैठ के बात कर रहा था कि शुड बी स्टार्ट डेली व्लॉग्स, ताकि आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप डेली व्लॉग्स करो, डेली व्लॉग्स करो। हम ट्राई करते हैं और हम पक्का इन दिनों में डेली व्लॉग्स करेंगे, वो मैं अनाउंस कर दूंगा कि हम डेली व्लॉग्स कब से स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें भी मज़ा आएगा व्लॉग शूट करने में, आप लोगों को दिखाने में कि हमारी लाइफ कैसी जाती है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है और कैसा दिन जाता है। तो आप लोगों को भी देखने मज़ा आएगा, हमें भी दिखाने मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी, वो बाकी सारे काम करते हैं जल्दी जल्दी। भाई बहुत कम टाइमिंग है, बहुत बहुत ये एंड का जो टाइमिंग होता है ना चेकआउट का, नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए। तो गाइज अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं कुछ रील्स बनाने, कुछ वीडियो शूट करना है। ओए चाबी लिया ना, ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही साइलेंस है। मतलब ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है, कश्मीर बहुत पसंद है ऐसी जगह। हमारी मोटर मार्क चल रही है, उन्होंने मास्क पहना है, यहाँ पर विदाउट मास्क। अच्छा सामने, ओके सामने कार्ड निकाल दो सुना, क्योंकि कार्ड वहाँ पर यूज़ करना है, पुल करना है, पुल। इसमें मेरा बहुत दिमाग खराब है। हाँ पुल्स क्लोज वो लिखा हुआ है लेकिन वो क्लोज नहीं है, वो चालू है, बट वी कांट यूज़ द पुल। तो गाइस ये है यहाँ का पूल साइड, और मैं पूरा कैमरा घुमा के दिखा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी की प्राइवेसी को मैं डिस्टर्ब करूँ। तो हम ये जगह पर शूट करेंगे। ये कुछ तो लिखा हुआ है, जो पता नहीं है, कुछ तो लिखा हुआ है गाइस, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम यही जगह पर फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे शनाया के। तो गाइस शनाया के फ़ोटोज़ हो गए, मैं थोड़े बहुत मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करवाता हूँ शनाया से। इसको मैं थोड़ा ऐसा रख देता हूँ, हाँ ये इसका मास्क ऐसा पड़ा हुआ है शनाया का। तो गाइज मेरे फ़ोटोज़ हो गए हैं, थोड़े बहुत, मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करता हूँ, जो भी शनाया क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर हम रील्स बनाएंगे। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है यार, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है पता है। मैं इसके बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा, ट्रस्ट मी, मैं फिर से आऊँगा शनाया, हम यहाँ पर फिर से आएंगे, राइट, हम यहाँ पर फिर से आएंगे। क्योंकि मुझे बहुत जगह पसंद आई और कितना साइलेंस है, बहुत साइलेंस है यहाँ पर, जो कि मुझे पसंद है, जो कि शनाया को पसंद है। वो तो हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट रील्स बनाते हैं और यहाँ से चलते हैं घर। मम्मी की याद आ रही मेरे को, मम्मी आई मिस यू, बाय। रील्स और वीडियोस बनाने में इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम चला गया कि पता भी नहीं चला, हम इतना रील्स में गुम हो गए थे। और अभी वी आर लिविंग, हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है कुछ 4 o'clock, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं गाइस, ना लेट्स गो, वी आर सेट एंड वी आर लीविंग, बाय बाय। चाबी ली हमने, मैं की ले लिया हूँ, और अभी हम चलते हैं, गाड़ी आ गई है नीचे, प्रॉपर 4 बजे निकले, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हुई। ओला कैब, हाँ यहाँ पर राइड भी है, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी कैब बुक कर दिया था, वो कैंसिल कर नहीं सकते थे। गाइस हमारी गाड़ी आ गई है और लगेज अभी अंदर जा रहा है, ठीक हो रहा है। आई प्रेफर यू पीपल मस्ट कम हियर, स्टे हियर, फैंटास्टिक, यू नो। वांट टू से समथिंग अबाउट JW? आई रियली वांट टू कम, आई रियली वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे ओवर हियर। सो JW दिस इज फॉर यू, आई लव यू, और बहुत अच्छा लगा यहां पर टाइम स्पेंड करके। हम फिर से आएंगे फॉर श्योर, जरूर जरूर फिर से आएंगे। तो लगेज हो गया है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।
कम कम यहाँ से आ जाओ। हाँ चलो चलो, थैंक्स। इसको अंदर ले लो। इस बंदे ने बहुत हेल्प की हमारी। ओटीपी देते? हाँ अंकल, आपको ओटीपी भी देता हूँ, आप भी थोड़ी समझ लो। यहाँ पर ओटीपी देते हैं। ओटीपी दे रहा हूँ 1526। अंकल एसी मन नहीं कर रहा था जाने का, बट मन नहीं कर रहा था, बट जाना पड़ा क्योंकि इतने दिन नहीं रुक सकते हम, और भी काम है हमें। तो गाइस वेकेशन से आए, यहाँ का वीडियो, यहाँ का सफ़र हम यही स्टॉप करते हैं। होप कि आप सभी को अच्छा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स आपको चाहिए, या फिर जो भी आप लोग डिसाइड करोगे, जो भी आप लोग कमेंट करोगे, हम उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और हम वही स्टेप लेंगे आगे, क्योंकि हमें भी डेली व्लॉग्स करना है, हमें भी पसंद है। यस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डेली ट्रैवल करें और हमारा डेली जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहे, ज़रा भी बफर टाइम ना हो। तो यहाँ का व्लॉग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं जी। डब यू मैरिट। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आने वाला वीडियो बहुत ही जल्द आए, हम बीच में गैप ना ले फिर से। मेरा फ़ोन यहाँ पर मेरे पास है, तुम्हारे फ़ोन सब मेरे पास ही रहते हैं। सुनाएगा तो अपनी फ़ोन की कभी खबर रहती ही नहीं है। यस, फ़ोन हमेशा मेरे कहीं भी रख देती है, कहीं भी रख देती है। सो इनके अगर किसी को मेरा फ़ोन मिल जाए ये ऐसा लग रहा है मैंने सीट बेल्ट लगाई है। लेम्बोर्गिनी प्लीज, ये मेरा फोन है। अरे शट अप यार, ये लग रहा है कि सीट बेल्ट लगी नहीं, सीट बेल्ट नहीं है। ये मेरा बैग है, ये जिसके अंदर मैं मेरे चार्जर और जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, दूसरा मेरा कैमरा, मेमोरी कार्ड, और मैं बहुत जल्द मेरा कैमरा अपग्रेड करने वाला हूँ। बहुत से कमेंट आए वॉइस क्वालिटी को लेकर, क्लैरिटी को लेकर। तो गाइज थोड़ा सा सब्र, और हम बहुत अच्छा कैमरा अभी सर्च कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके बताना कि कौन सा कैमरा हम जाए लेकर, हम वो वाला कैमरा यूज़ करेंगे फॉर बेटर क्वालिटी, क्योंकि हमें अभी ज़्यादा पता नहीं है कैमरा को लेकर। धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि ये कैमरा की क्वालिटी ऐसी है कंपैरिजन में हम दोनों को लेकर। अभी मैंने इसके पहले जब M50 और G7X Mark III लेने का सोचा था, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैंने इस पर पोल डाला और फिर वो 50-50 मिला। दोनों में भी 50 के आप ये भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने दोनों ही कैमरा ले लिया और अभी मैं M50 से ही शूट कर रहा हूँ। तो गाइस आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। वीडियो इतना देखा है तो बिना लाइक किए मत जाना गाइस, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा हो। यस अमित, मुझे तो काफी अच्छा लगा, मैं तो बर्थडे यहीं पर करने वाली हूँ। यस गाइस, और कमेंट करके प्लीज बताना कि हम डेली व्लॉग्स करें और आपको डेली व्लॉग्स चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो भाई बहुत ही एकदम तैयारी के साथ बैठे हैं और हमारे 500 के होने वाले हैं गाइस यूट्यूब पे बहुत जल्द। बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, आप लोगों की वजह से, आप लोग जो हमें देखते हो, इतना प्यार देते हो। और मैं भी टायर्ड हो गया हूँ। हाँ। नहीं मतलब मैंने पूरी नींद कंप्लीट की अपनी, मैंने रात भर काम किया, एडिट किया वीडियोस, उसे ड्रॉप किया और फिर अभी ये वाला वीडियो मैंने बनाया, बस। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊँ तो ज़्यादा गैप ना लूँ, फटाक से वीडियो दूसरा ड्रॉप करूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और ऐसे ही प्यार देते रहो गाइस। बाय।